हेलो गाइस, मेरा नाम एमडी मानुल्य और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी नेटवर्क चैनल। गाइस, आपने जरूर सोचा होगा कि वन प्लस हर साल दो स्मार्टफोन्स क्यों लॉन्च करते हैं, जबकि दूसरा स्मार्टफोन जो लॉन्च करता है वन प्लस साल का, वो कोई सक्सेसर तो नहीं होता है पहले स्मार्टफोन का, लेकिन फिर भी वो हर साल दो स्मार्टफोन क्यों लॉन्च करता है। तो आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। बढ़ते पहले रीजन पर, देखो हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी फास्ट चेंज हो रही है। हर एक 6 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, हर एक 6 महीने फ़ोन्स चेंज हो रहे हैं, हर एक 6 महीने फ़ोन्स के अंदर के प्रोसेसर डिज़ाइन वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो वन प्लस का भी यही मानना है कि बदलते टेक्नोलॉजी में हमारा फ़ोन जो लॉन्च किया फ़ोन, वो फ़ोन फ्लैगशिप, वो फ़ोन पुराना ना हो जाए, वो फ़ोन के स्पेक्स जो लोगों को पुराने ना लगने लग जाए, इसलिए हर एक 6 महीने में उसी करंट फ्लैगशिप फ़ोन का अपग्रेडेड वर्जन, कोई सक्सेसर नहीं, अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च कर दिया जाए, ताकि अब मार्केट में हमारे फ़ोन्स बिकते रहे, हमारे फ़ोन के सेल्स कम ना हो। एज फॉर एग्जाम्पल, वन प्लस अपने आप को फ्लैगशिप किलर कहता है, ठीक है। और वन प्लस का जो पहला फ़ोन लॉन्च होता है साल का, वो कब लॉन्च होता है? मई जून के महीने में लॉन्च होता है। और उस वक्त तक जो ज़्यादातर कंपनीज होती है वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स को लॉन्च कर चुकी होती है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल है तो सैमसंग का जो एस सीरीज़ है वो जनवरी फरवरी में लॉन्च हो चुकी होती है, और जो भी कंपनीज है, ज़्यादातर कंपनी जो होती है, वो मई जून से पहले पहले तक अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स को लॉन्च कर चुकी होती है। और वन प्लस अपने आप को फ्लैगशिप किलर ही कहती है, कि मतलब आपको हम फ्लैगशिप वाला परफॉर्मेंस, फ्लैगशिप वाला स्पेसिफिकेशन देंगे कम प्राइस में। तो वन प्लस उन फ़ोन्स को टारगेट करने के लिए अपना फ़ोन लेके आता है जिसको वन प्लस को उस वक्त अंदाज़ा हो चुका होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस का ट्रेंड चल रहा है, और क्या चीज़ हम अपने फ़ोन में थोड़ा सा बढ़ा के दे सकते हैं, और क्या चीज़ अपने फ़ोन का और कितना अपने फ़ोन का प्राइस रख सकते हैं, ताकि लोग हमारे फ़ोन को परचेज़ करें, इसका अंदाज़ा लग जाता है। उसके मार्केट में अपना फ़ोन लॉन्च करता है मई जून के महीने में। उसके बाद हम सब जानते हैं कि अगस्त का जो महीना होता है उसमें सैमसंग का नोट सीरीज़ लॉन्च होता है हर साल, और सितंबर के महीने में हर साल नया आईफोन लॉन्च होता है, और अक्टूबर के महीने में हर साल पिक्सल सीरीज़ का जो फ़ोन होता है, गूगल पिक्सल का, वो फ़ोन लॉन्च होता है। और ये तीनों जो फ़ोन लॉन्च होता है और भी जो फ़ोन लॉन्च होते हैं इस महीने में, तो उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके जो इंटरनली जो भी टेक्नोलॉजी होती है यूज़ की गई इस फ़ोन में, वो थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी होती है। तो इन फ़ोन के लॉन्च होने की वजह से वन प्लस का जो करंट फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च हो चुका होता है वो थोड़ा सा पुराना लगने लग जाता है, उसके एस्पेक्ट्स थोड़े से पुराने लगने लग जाते हैं। तो इन फ़ोन की वजह से वन प्लस का सेल ना रुक जाए, इसलिए वन प्लस क्या कहता है, अपने करंट फ्लैगशिप फ़ोन में थोड़े से अपग्रेड करके, मतलब इंटरनली स्पेक्स और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके, डिज़ाइन और लुक सेम रख के वन प्लस अपना फ़ोन लॉन्च कर देता है, जिसको एक टी मॉडल देता है। जी हाँ, जैसे कि वन प्लस थ्री का वन प्लस थ्री टी, फाइव का फाइव टी, सिक्स का 6T, और अभी 7 का 7T, एस 7 प्रो का 7T प्रो लॉन्च हो रहा है इंडिया में। तो ये है पहला रीज़न जो वन प्लस अपना टी मॉडल वाला स्मार्टफोन लॉन्च करता है, ठीक है। दूसरा रीज़न दोस्तों क्या है, दूसरा रीज़न जानने के लिए हमें थोड़ा वन प्लस के पास्ट में जाना पड़ेगा। देखो वन प्लस का जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ दोस्तों, वो 2014 में लॉन्च हुआ था वन प्लस वन के नाम से। उसके बाद वन प्लस टू लॉन्च हुआ 2015 में। उसके बाद वन प्लस, और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखने की बात है, जब वन प्लस वन लॉन्च हुआ तो वन प्लस वन का सक्सेसर वन प्लस वन टी नहीं लॉन्च किया गया, या वन प्लस वन का अपग्रेडेड वर्जन वन प्लस वन टी नहीं लॉन्च किया गया, डायरेक्ट वन प्लस टू लॉन्च किया गया 2015 में। वन प्लस टू का अपग्रेडेड वर्जन वन प्लस टू टी नहीं लॉन्च किया गया, डायरेक्ट लॉन्च किया गया वन प्लस थ्री 2016 में। उसके बाद वन प्लस थ्री का वन प्लस थ्री टी लॉन्च किया गया 2016 के लास्ट में, जो भी लॉन्च होते हैं फोन इसके लास्ट में, सेकेंड हाफ में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जब वन के बाद वन टी लॉन्च नहीं हुआ, टू के बाद टू टी लॉन्च नहीं हुआ, थ्री के बाद जब फोर का नंबर आ रहा है तो यहाँ पर थ्री टी को लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, या शायद आपको पता भी होगा कि चाइना में जो है ना, वो चाइना के लोग जो वो चार नंबर को अनलकी मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो वन प्लस ने उसी चार नंबर को अवॉइड करने के लिए वन प्लस थ्री के बाद से वन प्लस थ्री टी मॉडल को लॉन्च कर दिया, क्योंकि चार नंबर उसको अवॉइड करना था। वन प्लस थ्री टी मॉडल लॉन्च कर दिया, जिसमें बेसिकली डिज़ाइन लुक सेम रखा गया, इंटरनल एस्पेक्ट्स थोड़े से चेंज किए गए, और फ़ोन को लॉन्च कर दिया गया। और बाद में इसी चीज़ को ट्रेंड बनाया गया कि अपना एक करंट फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करो, अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करो, उसी में थोड़ा सा अपग्रेड करके एक टी मॉडल वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दो। जी हाँ, जैसे कि दूसरी कंपनी इससे पहले फॉलो करती आई है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें आईफोन का, तो आईफोन जब 4 लॉन्च हुआ था तो आईफोन 4 का जो सक्सेसर, जो अपग्रेडेड वर्जन आईफोन 4S लॉन्च किया गया था, फिर 5 का 5S लॉन्च किया था, फिर आईफोन 6 का आईफोन 6S लॉन्च किया गया था, और आईफोन 10 का आईफोन 10S लॉन्च किया गया था। जिससे बेसिकली जो भी S वाले मॉडल लॉन्च हुए थे उसमें आपको डिज़ाइन लुक्स बिल्कुल सेम मिल रहे थे, बस इंटरनली एस्पेक्ट्स टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई उसमें चेंजेस किए गए थे। उसी चीज़ को वन प्लस ट्रेंड ने बनाया, और ये वन प्लस थ्री के बाद से इसको फॉलो करते गया। वन प्लस थ्री के बाद थ्री टी,
उसके बाद 5 के बाद 50, 6 का 60, 7 के बाद 70 और अभी 7 प्रो के बाद 70 प्रो भी लॉन्च होने वाला है। और ये चीज़ लगभग सारी कंपनीज फॉलो करती है कि अपना हर एक 6 महीने में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है। हाँ, लेकिन नाम थोड़ा चेंज होता होगा। जैसे कि आप वीवो का फ़ोन ले लो, आप वीवो का एक फ़ोन लॉन्च होता है अभी सितंबर में एक फ़ोन लॉन्च होता है, दूसरा फ़ोन कब लॉन्च होता है, जब आईपीएल शुरू होता है, मतलब 6 महीने डिफरेंस रखता है, फिर सितंबर लॉन्च होता है, फिर आईपीएल के टाइम में लॉन्च कर देता है, मतलब हर एक 6 महीने यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। एमआई का फ़ोन देख लो, पहले हर ये भी एक साल में अपग्रेड होते थे, अब ये हर एक 6 महीने में अपग्रेड हो रहे हैं। रियलमी का तो बात ही छोड़ो, तो 3-4 महीने में फ़ोन को अपग्रेड कर रहे हैं। ये सारे कंपनी बस एक ही चीज़ को ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि हर एक 6 महीने में 7 महीने टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उसके वजह से हमारा फ़ोन पुराना हो जाए, हमारा फ़ोन का सेल्स ना रुक जाए, तो हर एक 6 महीने अपने फ़ोन को अपग्रेड करते रहो, फिर अपने फ़ोन को चेंज करते रहो। हमारा यूथ जनरेशन कि हर एक 6 महीने में उसको एक नया चीज़ देखना है, हर एक नया चीज़, नया टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन यूज़ करना है। इसको ध्यान रखते हुए कि कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को तो वही चाहिए भाई कि यूज़र क्या चाह रहा है उसके हिसाब से उसके यूज़र के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते जाओ और अपने फ़ोन को बेचते जाओ। यही थी रीज़न दोस्तों कि वन प्लस का ट्रेंड फ्लैगशिप फ़ोन का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिससे वन प्लस सक्सेसर कभी नहीं कहता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन कहता है, जो टी मॉडल के नाम से लॉन्च करता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे पूछते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो करके पूछते हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लाइव बातें करेंगे, लाइव आपके जो प्रॉब्लम होंगी, जो भी दिक्कत होगी, वहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।